वही सर दरअसल लेस। बस भी अभी विपश्यना के ध्यान में हूँ, अच्छा वो बात करते नहीं है अभी, मोबाइल भी मेरा दूरी रखा हुआ रहता है, अच्छा अभी नाश्ता करने आया था तो वहां मोबाइल में घंटी बजी तो आपने उठा मैंने लिया। उठा लिया, चलिए, तो विपश्यना फिर लिखा हुआ क्या था। विपश्यना हर दिन करते हैं या ये कोई कोर्स कर रहे हैं? नहीं, ये कोर्स नहीं है, मैं अपने मन से तय करता हूँ कि मेरे को 7 दिन के लिए उपासना करना ओके okay। है। तो हालांकि अब ये भी जो अपन बात कर रहे हैं ये भी गलत है, उसके हिसाब से बिल्कुल मौन, मतलब मौन ही रखना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो विपश्यना ही गलत है। जानते नहीं, क्यों? क्यों हाँ को पूछो क्यों? बताइए। इसलिए विपश्यना गलत है क्योंकि जब आप एक लार्जर पर्पज खोज लेते हैं अपने लाइफ का, राइट, तो लार्जर, वो लार्जर पर्पज ऑफ योर लाइफ जब आपने खोज ओके, लिया तो वो हाँ पर्पज ही आपकी विपश्यना बनना चाहिए। हाँ वो भी हो। देखिए दोनों चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है वो, कि जो हम एक जो आप बोल रहे हैं कि हमको जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो मेरा पैशन है, हाँ अगर मैं उसी के अंदर में रम गया, लेकिन उसके पहले इस जीवन के अंदर में देखिए हम कब खत्म हो जाएंगे, आपको आइडिया है क्या? ये तो मैं हमेशा ही हाँ नहीं कहता है। और हम जो ब्रेन से फेंकते हैं, हूँ। जैसे आप जितना अभी जो ये अपना जो ग्रुप अपन ने बनाया है, आप जो कर रहे हैं, दिस इज योर क्रिएशन, आपके थॉट्स जा रहे हैं, और ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये नहीं होगा, 100% होगा। जो जा रहा है, जो हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में जो दिख रहा है, वो हमारे क्या हुआ है, चाहे इस जन्म का चाहे किसी भी जन्म का। आप ठीक कह रहे हो। वो कभी वो नहीं जाना। तो विपश्यना में जाने के बाद में क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर में अगर रोज के 60,000 विचार आते हैं, नॉर्मल आदमी के, आपके भी आते हैं, मेरे भी आते थे, लेकिन अब मेरे ब्रेन के अंदर में विचार बहुत कम, 1,000 2,000 गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी के लगभग आते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं आते। तो विचारों की श्रृंखला खत्म हो गई, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, अब हम जैसे अपने। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरे दिमाग में जो है, चाहे मैं सो रहा हूं या मैं जाग रहा हूं, कुछ ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं बस, और उससे हटके कोई विचार नहीं है। लेकिन वो विचार चलते रहते हैं लगातार। नहीं, दैट इज नॉट ए विचार इन द सेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट हाउ इट विल कम यस, अराउंड, उसके मॉडल्स क्या होंगे, फाइनल ग्रैंड रूल्स क्या होंगे। एंड जब वो विचार दिमाग में चलते हैं तो यू फील योर बॉडी एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड, एंड ए फीलिंग ऑफ एक प्लेजर कम्स फ्रॉम योर बॉडी एंड फ्रॉम योर माइंड। बिल्कुल सही जैसे कहा। जो नॉर्मल विचार आते हैं, दे कॉज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन योर माइंड। इन विचारों में आप रमते जाते हैं एंड यू फ्लो विद देम, एंड वो विचार जो है आपको फाइनर ग्रेनुलर में हाउ द थिंग्स वुड बी हैपनिंग, वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करते हैं, जिसको मैं पॉपुलरली आई से इट इज ए कॉस्मिक डाउनलोड। यस वही बोलेंगे उसको, कॉस्मिक हाँ, तो मुझे लगता बोलेंगे। है कि वो कुछ ना कुछ कॉस्मिक डाउनलोड चलता रहता है, और मैं ये देख रहा हूं कि स्लोली बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, और वो कहीं से कोई भी विचार सुन के वो खुद फोन लगा रहे हैं, हाँ राइट, ये बड़ी बात है। और एंड दे आर लुकिंग फॉर ह्यूमन पर्पज। उन्हें लग रहा है कि संभवतः वो यही करना चाहते हर हर इंसान वही करना चाहता है बेसिकली, अगर आप गौर करेंगे ना भैया, तो हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान जीवन के अंदर में अपने आप को समझना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि कहाँ से पता करे, कहाँ जाकर के ढूंढे अपने आप को, वो चीज नहीं हो पाती, वो जगह नहीं मिलती उसको। अच्छा ये बताइए, जी जैसे जो ऋषि लोग हैं, हाँ व्हाई दे कम एंड पब्लिक वेलफेयर, जनहित के बहुत सारे चीजें जो है ना वो करते हैं। कौन ऋषि लोग? हाँ, सब ऋषि साधु जो सही रूप में है, तो हाँ वो अपनी जो भी साधना कर रहे हैं उसके साथ जनहित का काम जरूर करते हैं। नहीं तो जनित का काम करते तो ये जनहित का काम इज ए ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिफाइनमेंट प्रोसेस। आपकी साधना बिना जनहित के काम के पूरी ही नहीं होगी, नहीं होगी, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। सही। तो हाँ साधना और जनहित का कार्य यदि वो टोटली अलाइंड हो,
तो आप जो है ना अपने हर काम में एक आनंद की अनुभूति हो, बराबर है। एंड सो मच सो प्रॉबली योर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल न्यूट्रिशंस वो भी डिक्लाइन होने लगेगा. यू डोंट नीड इवन फूड फॉर योर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं फूड की, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो दिस अलाइनमेंट कैन टू ए ग्रेट एक्सटेंट कैन टेक केयर ऑफ योर एनर्जी डायमेंशन. बराबर है सर और यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को बहुत अलाइन कर लिया है, आपने शायद सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है ना उसने मालूम नहीं कितने समय से खाना नहीं खाया, उसके ऊपर 15 दिन जो है ना एम्स में रिसर्च की गई, अच्छा एंड दे वेर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये बिना खाना बिना पानी के जिंदा कैसे रह रहा है. हाँ 15 दिन तक रिसर्च की गई उस चलिए बहुत कम नहीं है, आपने बहुत कम दिन बुलाया क्योंकि आपको जानकारी 15 दिन की है। हाँ नहीं 15 दिन तो रिसर्च की. रिसर्च करिए, ऋषभ देव जो भगवान है गैनो में, 12 साल तक उनको भोजन नहीं मिला, 12 साल तक उनको किसी जगह भोजन नहीं मिला, कोई घर में मांस बनता था, कहीं व्यक्ति के घर के अंदर में घुसने में कोई गलत हो गया तो उनको 12 साल भोजन नहीं मिला लगातार, सिर्फ पानी में रहे वो। हाँ हाँ और अभी अभी है हमारे जैनों के अंदर में जिन्होंने भी 500 दिन का उनका उपवास चल रहा है, 500 दिन के ऊपर हो गए वो, नहीं 500 डेज। देखिए देखिए अब इसको इस ढंग से अपन को समझना होगा कि यदि आप बिना भोजन के उपवास और वो भी पूरा निर्जला, मतलब यू आर नॉट इवन ईटिंग ए ग्रास, एक दाना भी नहीं आप खा रहे हैं, हाँ तो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की तो आवश्यकता है. नहीं, यही यही है सबसे बड़ा, हमारे को नहीं ईश्वर ने जो हमारी बॉडी बनाई है। नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ. मैं जी अब जी उसको बड़े ध्यान से सुनो, जो आप जो जी है उसको गोलमोल करना चाहते हैं, हम उस गोलमोल को गोलमोल ना करके उसको कोई नाम देके ना देके हम उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं. वो प्रोसेस ये कह रही है कि देर आर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कैप्चरिंग एनर्जी एंड फुलफिलिंग योर बॉडी नीड. फूड इज द वन पर वे ऑफ डूइंग इट. अदरवाइज आपकी बॉडी में हर चीज हार्मोन से लेके हर चीज सीक्रेट हो रही है. हो रही कि नहीं हो रही? हाँ बराबर है। दैट दोज हार्मोन्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर एनर्जी नीड एज वेल. हाँ वो भी आपके एनर्जी से रही है। करेक्ट? आप बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ प्रॉपरली बराबर वी हैव नॉट रिफाइंड अवर बॉडी एंड वी हैव नॉट ट्यून अवर बॉडी टू दैट एक्सटेंट. सही है। तो वो रिफाइनमेंट जो है दैट विल कम, जो उसको कहते हैं कि आप चाहे विपासना कहो चाहे साधना कहो या तपस्या कहो, वट एवर, बट देन योर इंटरनल एनर्जी गेट अलाइन्ड विच इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी नीड. लेकिन जिन लोगों की एनर्जी नीड भी पूरी हो जा रही है, उनकी जो एक दूसरा जो जो स्पिरिचुअल नीड है, वो स्पिरिचुअल नीड उनकी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि वो जन कल्याण की का काम ना करें. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये सेवा आप किसी भी प्रकार की सेवा में लगो, आप जन कल्याण को बुद्धिमान से निकाल लो, आप निस्वार्थ सेवा में लगोगे तो आपकी वो सारी नीड अपने आप पूरी होती जाएगी, आपको जो चाहिए वो अपने आप मिलता रहेगा। तो जब जब कभी आप अपने लिए जीते हो, जब अपने लिए जीते हो तब आप वो चीजों को मांगते हो, और जब आप दूसरों के लिए जीते हो तो वो सारी चीजें बिना बोले आपके पास में, आप हालांकि इच्छा नहीं करना चाहिए उसकी, लेकिन वो सारी चीजें बिना बोले आपको मिलना चालू हो जाती है। लेकिन मैं इसको जो जैसे हम इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहना चाहेंगे. हम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप गेम खेलते हो तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 टाइप के गेम चलते कि नहीं चलते? बराबर है। पहले आपने सबसे सरल सा खेला, फिर उसके हायर डिफिकल्टी पे, फिर हायर डिफिकल्टी पे गए. तो मेरा ये कहना है कि हमें अपना सिस्टम एक ढंग से डिजाइन करना चाहिए कि जो लोग जो है इस चीज को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको उस लेवल के गेम पे ऑपरेट करो जिसको वो समझते हैं, जिसको आज का अर्थ युग हम कहते हैं, राइट? और धीरे धीरे दे कैन रिफाइन देमसेल्फ टू गो टू द हायर लेवल ऑफ दिस गेम. उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन ना होके एक बहुत ही कोहरेंट तरीके से, बहुत ही सीमलेस तरीके से वो जो है हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशन में जाता जाएगा. अभी क्या हो रहा है कि वो इन सब चीजों में इतना रम गया है
कि वो हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशन उसके दिमाग में ही नहीं है, वो पार्टी नहीं आया, वो उसको वो उस तरीके के विचार ही उसके दिमाग में पैदा नहीं होते। हाँ सही बोल रहे हैं। और जो है वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ काम करने के लिए नहीं आया है। हाँ सही बात है। काम जो है इट इज इंसिडेंटल, ये तो अपने को चलाना है प्रकृति के अंदर में, अपने को चलाना है, करेक्ट करेक्ट, इसीलिए हम कर रहे हैं, करेक्ट। इसलिए लोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सबकी जो एक सोल की यात्रा है, जो आत्मा की यात्रा है, हाँ वो आत्मा की यात्रा करने के लिए जो है ना हम कितना समय दे रहे हैं, हमें याद ही नहीं है कि हमारी आत्मा की यात्रा क्या है। बस आदमी यही बोलता है कि भैया मेरी आत्मा, मैं बिल्कुल सबके साथ में अच्छा रहता हूँ, साफ रहता हूँ, तो वो एक्चुअली आत्मा को नहीं समझ पा रहा आदमी। बेसिकली आत्मा को जो समझना है कि आत्मा क्या है, उसको नहीं समझ नहीं, अब आत्मा को छोड़िए, अब आप तो ये समझिए कि आत्मा यहाँ पे आई क्यों है और उसका लार्जर पर्पज क्यों क्या है, राइट। बराबर जिसको कहते हैं कि आप यहाँ पे आए इसलिए नहीं आए हैं कि आप अपने बच्चों को जो है ना देख रेख करोगे, बच्चों जो, ठीक है, दैट कुड बी अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ योर यात्रा, राइट। बराबर है। देर विल बी सम एक्सक्लूसिव यात्रा जो आपकी अपनी होगी, और यही आपकी कुछ एक्सक्लूसिव यात्रा आपके बच्चों की भी होगी, सभी की होगी। राइट। तो आप जो है उसके ऊपर भी आधिपत्य करना चाहते हो, जब वो विद्रोह कर देता है, जब आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। सो वी शुड अलाउ ए स्पेस फॉर एवरी आत्मा टू फुलफिल द बेसिक नीड विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचर, एंड देन हैविंग सम स्पिरिचुअल एंड अदर स्पेस टू रियलाइज द रियल पर्पज फॉर दैट सोल हैज कम इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, दैट सोल हैज कम फॉर इन एग्जिस्टेंस फॉर सर्टेन पर्पज। अब इसको अगर सबके मन में डालना है, हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ, इसको अगर सबके मन में डालना है, हाँ हाँ, तो कैसे कैसे आएगा? कि ये जो पर्पस है, हाँ, ये पर्पस बड़ा इजी वे में समझाया जा सकता है, जैसे आपने मेरे को बोला। हाँ, लेकिन जिस आदमी को लेना देना ही नहीं है, उसको आप आत्मा के बारे में समझाएंगे या आपका पर्पस के नहीं, बारे में तो समझाएंगे? अपन अपन उसको कहना है कि आप उसके साथ लेवल गेम खेलिए, राइट। पहले वो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ऑल एक्टिविटीज शुड बी कन्फाइंड टू दैट लेवल, राइट। जब वो उसमें परफेक्ट हो गया, तो स्लोली उसको सेकंड लेवल पे के लिए प्रॉम्प्ट करिए। जब वो सेकंड लेवल पे परफेक्ट हो जा रहा है, देन स्लोली उसको थर्ड लेवल पे प्रॉम्प्ट करिए, एंड देन प्रोवाइड ए इकोसिस्टम जहां पे कि भाषण कम हो, एक्सपीरियंस के माध्यम से वो हायर लेवल पे जंप करे। क्योंकि यदि वो भाषण और ज्ञान के माध्यम से करेगा, तो जो उसके खुद के एक्सपीरियंस हैं, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी विद द भाषण, तो वो उसको ग्राह्य नहीं कर पाएगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको डिनाई करेगा कि जो फालतू की बातें कही जा रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, दे आर ऑल बोगस, फालतू की चीजें हैं। तो क्योंकि देखिए, आपके सबके हम सबके एक्सपीरियंस इतने नेगेटिव हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिनाइंग आवर सेल्फ सब बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ बेहतर हो सकता है ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो हमारी सबसे पहली चुनौती ये है कि वी कैन से देयर कुड बी सम बेटर होलिस्टिक एक्सपीरियंसेस, और अपने एक्सपीरियंसेस को भाषण से मत बदलिए। ओरिजिनल ओरिजिनल होना अपना एक्सपीरियंस, लेट इट बी रिफाइंड थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, एंड स्लोली लेट इट बी ए जर्नी ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट। और आपकी पहली जर्नी जो है वो अर्थ या जो यहाँ का जो माया का जो गेम लेवल है, उस लेवल पे ऑपरेट करना ही पड़ेगा और होना ही चाहिए। बराबर है, जिस लेवल में वो चल रहा है, उस लेवल में ही उसमें हमको शामिल होना पड़ेगा पहले, या उसको उसके लेवल में हमको रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको बता पाएंगे कि ये तेरा अगला लेवल ये अचीव कर। चलिए चलिए, तो आपने ये विपासना का कितना समय का रखा है? मेरा ये परसों खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आपने परसों तक जो है ना वो अपना एग्रो को टालने में आप सफल हो गए हैं। नहीं, टालने में सफल नहीं हो गया, आप इसको टालने बोल ले, लेकिन मेरे काफी समय हो गया, मैं इस बार विपश्यना के कोर्स के लिए नहीं गया,
जब मेरे को जाना था तो वहां जाने में क्या होता है कि 11 दिन का जो पीरियड रहता है वो पूरी दुनिया से परे रहते हैं, तो उसके अनुभव जो है वो बहुत अलग होते हैं। जब हम सारी चीजों के बीच में बैठ करके जो चीज करते हैं और जब वहां पे अकेले होकर के करते हैं, और वहां हमको किसी को देखना भी नहीं है, कायदे से सिर भी ऊपर नहीं करना है, हमारे को सिर भी नीचे रखना है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई कपड़ों के प्रति किसी के प्रति कोई वो नहीं है, तो वहां पे जो मोह का जो किस्सा है, आखिरकार जब आप मोह से निकलोगे बाहर, जब आप मोह से बाहर निकलेंगे तब जाकर के आप स्पिरिचुअल में एक्चुअल घुस पाएंगे। ये जो मोह है हमारा जिंदगी का, हम नाश्ता ऐसा करते हैं, हम खाना ऐसा खाते हैं, शैलेश मुझे क्या लगता है कि बिना विपासना के आई एम हैविंग ए लाइव एक्सपीरियंस ऑफ विपासना व्हिच इज हैपनिंग टू मी 24 आवर ए डे। सर आपकी जो जर्नी है ना, हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, वेरी ट्रू, है ना, और हर इंसान की जर्नी एक जैसी कभी नहीं है, है ही नहीं। इट इज देखिए, हर व्यक्ति यूनिक है और उसकी जर्नी भी यूनिक है। अच्छा, लेकिन इसके साथ में भी हमें कुछ कॉमन चीजें खोजना चाहिए जिससे कि एक जर्नी में आप साथ का एहसास करें, एंड वहीं से एक जो है ना इंडिविजुअल डायमेंशन भी इमर्ज होना चाहिए जहां आप अपने यूनिक पाथ पे मूव करेंगे। बराबर है आपका, जो विपसना की आवश्यकता ही आपके पुराने पिछले जन्म में जो आया, ये जो आपका आया, तो आपको विपसना की आवश्यकता नहीं है, हर क्षण विपसना में है आप, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। हाँ, तो ऐसा महसूस अगर करते हैं तो ये सच्चाई है, इसके अंदर में कोई वो नहीं है कि आप महसूस करते हैं तो आप कुछ अलग से बोल रहे होंगे। इट्स पॉसिबल, ये हमारे जन्मों जन्मों से जो किया हुआ है वही आया है, और इंसान के रूप में जो ये जो हम आए अभी इंसान के रूप में, तो अपने आप को पहचान करके उस जगह के एंड को, क्योंकि एंड आखिरकार हर आदमी को एंड में पहुंचना है। अभी कौन सी क्लास में है ये नहीं मालूम, जैसे अभी लोगों को नहीं मालूम कौन सी क्लास में, आपको मालूम पड़ गया कि मैं इस क्लास में हूँ, ये आपको आपको भान है कि इस क्लास में हूँ, लोगों को तो ये भान भी नहीं है कि हम इस क्लास में भी आए चल रहे। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद दिस इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। बहुत सुंदर, ये तो ये हाँ, मतलब शायद जो है इट इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और मुझे अब ये भी महसूस होने लगा है कि जो भी पिछले वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, इट वॉज ए डेलिबरेट कॉस्मिक फेनोमेना टू रिफाइन यू फॉर दिस लेवल। वो यदि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस वट एवर दे आर, इफ दे वेर नॉट देयर यू कुड नॉट हैव कम टू दिस लेवल। नेगेटिव कुछ नहीं है सर, नेगेटिव कुछ नहीं है, क्या आई एग्री विथ यू कि नेगेटिव कुछ भी नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, नहीं नेगेटिव हम ये कह रहे हैं कि उस समय जब जो आपको नेगेटिव लग रहा था, राइट, मतलब कुछ ऐसे आज आपको लग रहा है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आज लग रहा है कि वो नेगेटिव था, नहीं नहीं आज बिल्कुल नहीं लग रहा है, आज तो मुझे लग रहा है कि दैट वाज ए डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ द कॉस्मिक टू रिफाइन यू टू टेक दिस लेवल। यस, आपको उस लेवल में पहुंचने के लिए उनसे गुजरना ही जरूरी था, जरूरी था। जब आप उनसे गुजरे तभी आप वहां पे आप स्पिरिचुअल के टच में आए, और जब कभी भी जैसे क्या होता है हमारे जैनों के अंदर में एक चीज ये रहता है कि भाई राजा महाराजा जो है उनको केवल ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है। क्यों क्यों जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ के अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी रहता है, आप जितना भी ज्यादा देख लोगे किसी भी चीज की एंड में पहुंच जाओगे यार, तो आपसे आपको विरक्ति आ गई, वही हो गया ना कि आपके गोल को आपने अचीव किया, नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़े, आपने उसको भी अचीव कर लिया। जब आपको मालूम है कि भाई ये गोल हमारे अचीव हो रहे हैं और आप उस गोल के एंड में पहुंच गए, तो वो टॉप लेवल होता है। किसी भी चीज के एंड में जब आप पहुंच गए, जैसे ओशो ने क्या बोला, संभोग से समाधि की ओर। क्यों संभोग से समाधि की ओर, उसने बोला भाई आप संभोग में भी इतना लीन होकर के उसको करोगे तो आपको उससे विरक्ति हो जाएगी। एंड एंड क्या है, समाधि, जब आप उसमें उससे बिल्कुल विरक्त हो जाओगे आपके, नहीं यार अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो जब आप एंड में पहुंच जाओगे किसी भी चीज के टॉप लेवल पे, तो वो टॉप लेवल के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये क्लास वाइज बढ़ते जाना, आई एम सेइंग लेवल बेसिकली, क्योंकि अपन गेम में लेवल समझते हैं इसलिए हमने वो सुलभता के हिसाब से वो बात कही। हाँ, मतलब उसको उसको जो है ना, चूंकि आप एवरीडे एक्सपीरियंस में देख रहे हो,
तो प्रॉब्ली उसको समझने में आपको सुविधा होगी। यदि आप किसी दूसरी भाषा का यूज करेंगे तो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी दिक्कत होगी। सही है, चलिए सर। चलिए तो आप दो दिन अपनी व्यवस्था कर लीजिए, फिर अपन जो है ना उस पर वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू ब्रिंग ए मॉडल जो कि सीएफबी फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर रूरल इकोनॉमी, और इसका अल्टीमेट जो मकसद वो ये भी है कि हाउ वी कैन मेक ए रिवर्स जर्नी फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया में जो वो आ रहा है उसके कारण द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दे आर फॉर जस्ट अर्निंग देयर लाइवलीहुड दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव इन ए सब ह्यूमन कंडीशन। बिल्कुल सही, तो वो उसको यदि हम जो है ना रिवर्सल ले जाएं, उसको काम भी वहां मिले और वहां पर भी उसकी प्रोफाइल में काम के साथ साथ कैन बी क्रिएट ए काइंड ऑफ ए टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे जो करिए कि उसमें एंटरटेनमेंट पहले लाएं, राइट, पहले उन चीजों को लाएं जो कि यू आर सीकर, राइट। हाँ, वो उसको खुशी खुशी मिले, उसको खुशी मिलेगा तो देन सीकर से हम उसको फिर उस एनवायरमेंट में धीरे से पुश करें विच कुड जो है ना बी द पर्पज ऑफ देयर लाइफ, और इसके लिए यदि जरूरत होती है तो देन वी कैन हैव द डिस्कोर्स एंड वी कैन हैव सच सम काइंड ऑफ सिस्टम जिससे वी कैन कैप्चर की उसकी लाइफ क्या का पर्पज क्या हो सकता है, हेल्पिंग द पर्सन टू रियली डिस्कवर व्हाट कुड बी पर्पज ऑफ हिज लाइफ। बराबर, एंड देन उसके काम में ही क्या उस डायमेंशन को लिए हम समय अकोमोडेट करें, क्योंकि यदि अज्यूम करिए कि आपने अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरे काम के लिए ही उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसको हो सकता है उसके एवज में धन मिल जाए, लेकिन लार्जर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, पर्पज ऑफ हिज लाइफ, दैट ही विल नेवर बी इन पोजिशन टू अकम्प्लिश। क्या है सर, चलिए अभी बात हो रही तो आपसे दो मिनट में बताता हूँ मैं। हाँ। जब हमने गांव की जो संरचना अपन ने करी कि हम गांव के अंदर में एक इंडस्ट्री डालते हैं जिसके अंदर में वो सारे पार्टनर हैं जो वहां पर जिनको हम ले रहे हैं, वो सारे पार्टनर हैं ताकि इक्वलाइजेशन लगे। ओके, उसके बाद में हम जब वहां पर ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ साथ में हम उनको एक दिन विपश्यना का पार्ट हो गया, विपश्यना के बारे में समझाया क्या होता है, हर आदमी के रास्ते अलग अलग है। मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने चार लाइनें जो बोली थी वो जीवन को बदलने के लिए मेरे बहुत काम की थी और हर किसी के काम की है। मधुशाला की चार लाइनें ही शुरू की, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस वो तो है भोला वाला। हम सब भोले भाले अंदर से, अलग अलग पथ बतलाते सब। कोई बोलेगा यार तू इस रास्ते चले जा तू बहुत कमाएगा या बहुत बहुत ये करेगा, तू इस रास्ते चले जा ये होगा, अलग अलग पथ बतलाते सब। पर मैं एक पथ बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, सिंगल सिंगल वन सिंगल लाइन, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, दिस इज गोल ऑफ योर लाइफ। बेसिकली देखा जाए तो बड़ा सिंबॉलिक है ये मधुशाला। हाँ, ये और इट कैन बी इंटरप्रेटेड वेरी स्पिरिचुअली। जब आप मदरा का घर कहते हैं तो दैट इज ए फिजिकल कनोटेशन, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो है एक स्पिरिचुअल कनोटेशन भी है। मेरे जो गुरुदेव ने जब समझाया ना इसको तो मेरे को सबसे पहले एक ही चीज बोला कि जो मदरालय बोला है जहां जहां मधुशाला आएगा जरा शराब आएगी, तुम इसको अपना गोल मानो या ईश्वर का द्वार मानो, इसको आप जो है यदि ब्लिसफुल मानो, स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, आप मदरा में जाते तो क्या होते हैं, आप मस्त हो जाते हैं, राइट, मस्त हो जाते हैं। तो इसको हैप्पीनेस से थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, उसको अपन ब्लिसफुलनेस कहें। तो और मधुरालय या मधुशाला जो भी कहे अपन उसको, इट इज फाइनली एक्वायरिंग ए स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, आनंद, परमानंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति, चरम आनंद की, चरम आनंद या परमानंद की स्थिति में पहुंचना यदि हम अपनी जिंदगी का मकसद जो है ना उसको पाले तो देन जो मधुशाला है दैट विल ब्रिंग यू द रियल एसेंस एंड एवरीबडी कैन सी हिज ओन मधुशाला, ओन मधुशाला, यस, बिकॉज
जो ब्लिसफुल स्टेट विल बी द डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जो अपन और ये ब्लिसफुल एक्सपीरियंस आपको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक कि द पीपुल अराउंड यू दे आर ऑल्सो इन सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो यदि आपके चारों तरफ कष्ट होगा तो आप ब्लिसफुल स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे, कष्ट होगा बिकॉज दैट नेगेटिव वाइब्रेशन अराउंड विल विल शेक यू एंड विल ब्रिंग यू बैक टू द फिजिकल स्टेट। वो आपको उस स्टेट में घुसने ही नहीं देगा। दैट्स वाई जो जनहित है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन चेंज द वाइब्रेशन ऑफ अदर्स। एंड जब तक वसुंधरा कुटुंबाय और वसुंधरा को सभी में हर कोई जो है ना उसमें प्रसन्न नहीं होगा, मतलब नाउ आई एम टेकिंग इट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू नेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। यदि हमारे पड़ोसी राज्य में कष्ट की स्थिति रहेगी तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन वुड बी समवेयर वुड बी हैविंग सम इम्पैक्ट इन अदर नेशन एज वेल। 100%। अरे नेगेटिव स्टेट को भी छोड़ दीजिए, आपके अंदर में नेगेटिव भरा हुआ है तो आपका चारों तरफ का एटमोसफियर खुद ही आप क्रिएट कर दे रहे हैं नेगेटिव। वेरी ट्रू। अगर अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आप दिन भर में एक आदमी को भी अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपने क्या हुआ उस ब्रेन में दिया नेगेटिव, वो ब्रेन कहाँ देगा नेगेटिव। ठीक बात। ये पूरा चलता, ये सर्किल है, ये पूरा चलता रहेगा, पूरा चारों तरफ में जाता रहेगा, एक जगह से भी जा रहा है तो चारों तरफ जाता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मैं जो है शैलेश जी आपकी विपासना को और बहुत ज्यादा विदोल्ड नहीं करता, विपासना पूरी कर लीजिए और फिर जो है ना पूरी तैयारी के साथ आप आइए। व्हाट आर योर विजन एंड व्यूज। देखिए हमारे विजन और व्यूज में तो आपका जो व्यूज होगा दैट विल बी प्लेइंग ए वेरी माइनर रोल, राइट? क्योंकि मुझे तो वो 360 डिग्री क्रिएट करना है, राइट? बट यदि 360 डिग्री से 10 डिग्री यदि आपसे मिल रहा है तो आई वॉन्ट टू कैप्चर। बराबर। आई डोंट वॉन्ट टू लीव इट बिकॉज 360 विल नॉट बी देयर जब तक हम आपका जो 10% 10 डिग्री आप यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो 10 डिग्री का यदि हम कैप्चर नहीं करेंगे तो हमारे तरफ 350 डिग्री ही हो पाएगा। सही, राइट? सही। तो इधर आई शुड गेट दैट फ्रॉम सम अदर पर्सन और फ्रॉम सेलेस व्हाटएवर इट इज, राइट? तो आप विपासना के बाद थोड़ा सा एकीकृत होके उसको रियलाइजेशन के साथ देन वी विल बी हैविंग एडजस्ट एंड देन वी विल ब्रिंग द मॉडल कि हम अपने सामर्थ्य से बिना सरकार के तंत्र के, सरकारी योजनाओं का तो लाभ ले लेंगे लेकिन बिना सरकारी तंत्र के हमें ये जमीन पे उतारना है क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल के तहत बना है। ना ये सरकार ना ये तंत्र आपको उस लेवल ऑफ रिफाइनमेंट पे ले ही नहीं जाएगी क्योंकि वो बीच में उसका रेंट सेकिंग बिहेवियर बाधा बन जाता है। तो उसका जो जो उसकी सोच है वो सेवा नहीं है ना, एक्सप्लॉइटेशन है। और जो पहले तंत्र आपका बने थे, जो पहले नियम बने थे वो सब एक्सप्लॉइटेशन के हिसाब से बने थे और ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से बने थे क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को तो आपकी वैभव को भी खत्म करना था ना, आपको गरीब भी बनाना था, आपको राम भी बनाना था, बनाना था और जीवन भर गुलाम पास में। आज भी जीवन भर गुलाम बने हुए ना, जो उन्होंने डिजाइन करके गए उस पर आज भी गुलाम बने हुए। नहीं लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ना हम अपने सिस्टम को बदल पा रहे हैं, ना हम अपने तंत्र को बदल पा रहे हैं, ना हम उसकी सोच को बदल पा रहे हैं। तो ये तो वैसे ही है कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं और मुंबई जाने की ट्रेन में बैठे हुए, तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंचेंगे और फिर जितना आप ट्रेवल कर जाएंगे आपको उतनी यात्रा वापस करना पड़ेगी। बराबर है। तो चलिए ईश्वर ने सोच दी है तो वो सब चीजें क्रिएट करेगा और मेरा ये मानना है कि यदि ये कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है जी। तो उसने इस तरीके के विचार हजारों लोगों के दिमाग में डाले और ये वाइब्रेशन जो है उन हजारों लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में जोड़ेगा और वो सभी के कलेक्टिव वाइब्रेशन से ही वो परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है कि जो भारत है वो विश्व गुरु और विश्व समृद्धि के उस पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इट विल रीच इन टू द ब्लिसफुल स्टेट, उसके लिए जो ऊपर वाली स्टेज है वहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा क्योंकि विश्व गुरु में भी कहीं ना कहीं ईगो है। वी हैव टू क्रॉस दैट ईगो डायमेंशन ऑल्सो।
तो वही सबसे खतरनाक है. विश्व गुरु टू हेल्प अदर्स. यस राइट. यस. और एट द सेम टाइम देखिए, आपका कोई भी देवी देवता आपने किसी बिना शस्त्रों के देखा उसको? बिना शस्त्रों के आपका कोई भी देवी देवता हो जो कि बिना शस्त्रों के? नहीं है. नहीं. तो इससे एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल मैसेज ये है कि जब आप पॉजिटिव बात सोच रहे हैं तब भी कुछ दुष्ट लोग होंगे जिनके हाँ. आपके शस्त्र रेडी होना चाहिए, जिन आपके शस्त्रों को देखने के मात्र से ही उनकी दुष्टता जो है ना वो नियंत्रण में होना चाहिए, और यदि कभी जरूरत है तो वो शस्त्र उठना भी चाहिए. तो यदि आप जो है वो शस्त्र वाला कंपोनेंट, वो एग्रेशन वाला कंपोनेंट यदि उसका प्रावधान नहीं करेंगे तो नालंदा में जैसे कि जो है ना लोगों को, शिक्षकों को, आचार्यों को, शिष्यों को काट दिया गया था, ऐसा कोई दुष्ट आएगा और काट देगा. तो हमें उसकी भी व्यवस्था, शस्त्र की शक्तिहीन होके काम नहीं करना है, हमें शक्तिशाली होके अच्छे काम करना है. बराबर. मतलब शक्तिहीन व्यक्ति तो कैन डू गुड फॉर नोबडी. तो हमें शक्तिशाली भी होना है, सशस्त्रशाली भी होना है, क्योंकि ये हमारी देवीय प्रवृत्ति है. क्योंकि आपका यदि कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता यदि बिना शस्त्रों के है ही नहीं, इसका मतलब है व्हाट इज द मैसेज विच इट इज कमिंग टू द ह्यूमैनिटी. हमारे जो हम जिनको मानते हैं तीर्थंकर, जो है हमारे जैन तीर्थंकर, इनको किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी. मैं आपको एक पुस्तक का बता देता हूँ, क्योंकि बात हो रही है और आपको देखो, 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 देखो तीर्थंकर जो है दैट मे बी अ पर्टिकुलर रिफाइन स्टेज. क्योंकि आप उनको समाधि की स्टेज में देखते हैं तो अपन आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शस्त्र कहीं रखे होंगे. लेकिन यदि आप राम, चाहे विष्णु, चाहे जो है ना किसी भी आप उसको देख लीजिए, चाहे दुर्गा, उनके पास जो है ना शस्त्र जो है, और बहुत ही पावरफुल शस्त्र जो है. राइट. राइट. तो अपन ये मान सकते हैं कि आप जो है ना अपने जैनी जो तीर्थंकर हैं उसे थोड़ी देर के लिए आप भ्रमित मत होइए. इसलिए भ्रमित मत होइए कि बिकॉज द डिपिक्शन इन ए पर्टिकुलर स्टेज है. राइट. जब उस स्टेज, जब कोई उनकी उस स्टेज को भंग करेगा तो उनके पास भी जो है वो शस्त्र होंगे, जिनके आंख खुलने मात्र से ही उनके शस्त्र और भी पावरफुल हो सकते हैं ना. वही शस्त्र भगवान जो है ना शिव का तीसरा नेत्र ही अपने आप में वो था. तो भगवान शिव का जो है ना तीसरा नेत्र ही शस्त्र था. तो शस्त्र जो है ना मे बी ऑफ द डिफरेंट टाइप. तो चाहे जो है ना आपके तीर्थांतरों में जो वो शस्त्र ना दिखाया गया हो, लेकिन वो शस्त्र का एग्जिस्टेंस जरूर होगा. यदि तीर्थांकर की यदि भावना बदलेगी तो मात्र भावना बदलने से आप नष्ट हो जाएंगे. आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, एक आधे मिनट का है. अंगुल माली करके एक व्यक्ति था. अभी एक काम करते हैं अपन, इस चर्चा को अपन यहीं पर रोकते हैं और आप दो दिन की अपनी विवासना पूरी कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.